ये जो दो लड़के हैं सत्यम शुभम नाम के, ये मिर्जापुर के रहने वाले हैं। इसमें से एक लड़के ने लॉ कंप्लीट किया, दूसरा बीकॉम कर रहा है। ये नए लड़के हैं जो अपनी शौक को पूरा करने के लिए ऑटो लिफ्टिंग का काम करने लगे हैं। इनका एक गैंग है, इस गैंग को इससे काफ़ी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी और ऑटो लिफ्टिंग का काम कर रहे थे लोग। डीआई साहब के निर्देशन पे हमारे जो सर्विलांस और एसओजी की टीम है ये सब लोग लगे हुए थे। इंस्पेक्टर करेली हमारे जो ब्रजेश जो थाना प्रभारी है वहाँ के, इन सब लोगों ने आज इस पर कार्रवाई के लिए आपस में बातचीत कर ही रहे थे। तब तक इनके जो सूत्र लगा रखे थे उसने इनको बताया कि कुछ लड़के मोटरसाइकिल बेचने के फिराक में हैं, तो जिस पर इन लोगों ने घेराबंदी करी तो दो लड़के पकड़ में आए, ये जो दोनों हैं, और इनसे बरामदगी में 11 मोटरसाइकिलें मिली हैं जिसमें दो स्कूटी हैं। और पता चला कि इनके टीम में और भी मेंबर्स हैं जो अपने एक शौक़ पूरा करने के लिए इस तरह का ऑटो लिफ्टिंग का काम करते हैं और उनको एक दो दिन के अंदर ही बेच देते हैं देहात क्षेत्रों में। तो इन लोगों ने एक बड़ी बरामदगी की है, अभी इसमें और बरामदगी के इन लोगों ने आसार बताए हैं कि जो टीम के और मेंबर्स मिलेंगे तो और भी गाड़ियां बरामद हो सकती हैं। गिरोह से किसी रैकेट से इनके संबंध की बात सामने, इन्होंने खुद रैक अपना एक रैकेट बना रखा है, ग्रुप है इनका, और अभी विवेचना से और बातें स्पष्ट होंगी। ग्रुप में जो लोग अभी प्राइमरी जो जानकारी है, क्या सारे स्टूडेंट लेवल के ही हैं? अभी जो कुछ लड़के ये हैं तो सब नए ही हैं, और इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन से लोग आते हैं, विवेचना में क्लियर हो जाएगा सर इसे।